हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो जुडिशरी है बहुत सारी चीजें लेकर आई है। बात करते हैं हिमाचल जुडिशरी की, तो हिमाचल जुडिशरी की यहाँ पे 21 पोस्ट है वहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है। बात करते हैं एमपी जुडिशरी की, तो एमपी जुडिशरी में जो है 70% और जो ये 3 ईयर्स है उसकी जो याचिका हमने लगाई थी कि ये नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा बहुत कैंडिडेट्स को भी देख लीजिए अपने अच्छे लीगल ग्राउंड के साथ में, लेकिन वहां पर भी चीफ जस्टिस की बेंच ने जो है इसको खारिज कर दिया है। अभी एमपी जुडिशरी में ये रूल है कि 70% जो है और 3 ईयर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। ओके, इसके साथ ही काफ़ी सारी जो अपडेट्स होती है और जो एलएलबी के जॉब्स होते हैं, कि जो आप एलएलबी के बाद जो जॉब कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अभी हाल फिलहाल जो है वीडियो चैनल पे पब्लिश किए हैं। होपफुली आप उन वीडियोस को देख रहे हैं और वहां से आपको एक अच्छी जानकारी मिल रही है। आरजेएस की बात करते हैं, आरजेएस 2024 का जो रिजल्ट आया था, प्री रिजल्ट आया था 15 जुलाई को मेबी, और उसके बाद में जो है हमारे पास कट ऑफ का ये सब चीज़ें आ रही है। ओके, उसके बाद में कि चेक कैसे करना है ये चीज़ भी आई है। तो टोटली अगर हम देखते हैं तो एग्जामिनेशन से लेके अभी तक, आज जो मैं इस कॉरेंडम की बात कर रही हूँ, तो अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और हर एक जो भी एक इन्फॉर्मेशन आती है उसके नीचे एक नोट जरूर रहता है कि भाई अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी अपडेट में जो फर्दर के लिए आ रही है, वहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट में अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस की अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप जो है पूर्णतया उस पर रहे कि आपको ये वेबसाइट जाके चेक करनी ही है, ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑल्दो हम लोग हैं जो आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं, फिर भी जो पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है ना वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियोस में कई बार कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है या हम ऐड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में आप जो है एक इन्फॉर्मेशन अपने लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं कॉरेजेंडम की, जो भी राजस्थान हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आया है, और राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की तरफ से ये है। ये किसके लिए है? ये है आरजेएस प्री एग्जामिनेशन जो हुआ था उसका रिजल्ट की जो कट ऑफ है वहाँ बताई है। इसमें कट ऑफ है 35%। अब है कि 35% ऐसी कौन सी कट ऑफ है, किन लोगों के लिए है? तो आपको याद होगा कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे पोस्ट निर्धारित होती है, यहाँ पे अलग से उनके लिए जो रिलैक्सेशन होता है बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे उनका, भले वो फॉर्म फिलअप का हो, भले वो एज का हो, या किसी भी रूप में हम देख सकते हैं। तो ये कैटेगरी जो होती है यहाँ पे रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो अभी इतनी है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इतने ही होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो एक्स सर्विसमैन है, क्या इससे पहले मैंने यहाँ पर ही इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, कि कौन सी ईयर की जो ये पोस्ट है, लाइक कि 3 साल का मिला के जो आरजेएस में इस बार पोस्ट आई है, तो कौन से साल में इनको यहाँ पे ये पोस्ट मिलने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखी है, आप अगर आप चैनल पे जाके वीडियो देखते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे टोटल 15 जो रोल नंबर है उनको मेंस एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे प्री के लिए मेंस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं कि वो मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये जो कॉरेजेंडम है ये आया है, उसमें अलग से आरजेएस के स्टूडेंट्स को कोई फायदा है या नहीं है, क्या उनके कट ऑफ में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर इसमें हो चुका है कि भाई जो आरजेएस मेंस एग्जामिनेशंस है उसके रिगार्डिंग है, कि आरजेएस मेन एग्जामिनेशंस अभी क्योंकि इतना जल्दी आ गया है, फर्स्ट टाइम राजस्थान हाईकोर्ट की हिस्ट्री में, इस एग्जामिनेशन की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 40 डेज के अंदर आपको एग्जामिनेशन देना है। अब जो है ये एग्जाम की डेट यही है, ये आगे होगी, तो देखिए नोट में तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 31st of August एंड 1st of September को ही आपकी एग्जामिनेशन है, भले ही वो एक्स सर्विसमैन को के लिए हो या तो फिर आप सभी कैंडिडेट्स के लिए हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो मेन एग्जामिनेशन है इसका टाइम टेबल क्या है, किस तरह से है, ये सारा कुछ, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ये सारा कुछ मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया है, और फर्दर जो भी आरजेएस के रिगार्डिंग, आरजेएस 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। तो मेनली यही है कि इसमें आपका कोई रोल है नहीं, आपका जो कट ऑफ है उसमें कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, जो आपका था जिसमें आप पास हुए हो, आपने क्वालिफाई किया है नहीं किया है, इस कॉरेजेंडम में आपका कोई भी रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है,
उनकी कट ऑफ बता रही है, उनके रोल नंबर बता रही है, और उन्हीं को ये सूचित किया जा रहा है कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन है बाकी सबके जैसे 31st और 1st को सितंबर को होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ आगे कौन से जुडिशरी के बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे यह खुशी होगी कि अगर मैं किसी भी तरह आपको सपोर्ट कर पाऊँ, आपके किसी भी काम यहाँ पर मैं अपडेट देने के आऊँ। टिल देन थैंक यू सो मच।